छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, चाकूबाज बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस। एनएसयूआई प्रदेश सचिव पर किया था जानलेवा हमला। राजधानी रायपुर के गोल चौक पर एनएसयूआई प्रदेश सचिव मेहताब हुसैन को बेरहमी से चाकू मारने वाले दोनों आरोपियों ओम दुबे और रवि ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पर आरोपियों का जुलूस निकाला है। दरअसल घटना डीडी नगर थाना इलके का है, जहां पर आरोपी शराब के लिए मेहताब से पैसे मांग रहा था, जिसके बाद सभी के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि चाकूबाज आरोपियों ने मेहताब पर चाकू से वार कर दिया। खास बात यह है कि आरोपी ओम दुबे 12 दिन पहले ही सेंट्रल जेल से हत्या के प्रयास के मामले में जमानत पर चल रहा है। वहीं चाकूबाज ओम दुबे का पिता खरोरा थाने में हत्या के आरोप में जेल की हवा खा रहा था। पिछले 15 दिनों से पुलिस ने उसे पैरोल दे रखी है और इस वक्त वो फरार चल रहा है। बता दे, आरोपी ओम दुबे ने एनएसयूआई प्रदेश सचिव मेहताब हुसैन पर जमकर हमला किया, जिसके बाद पीड़ित मेहताब ने कहा कि आरोपी से कोई जान पहचान नहीं है और ना ही कोई दुश्मनी है। सवाल यह उठता कि अगर ऐसा नहीं है तो आरोपी ओम ने मेहताब को चाकू क्यों मारा। इस घटना के बाद से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।